पीड़िता की मां क्या कुछ कह रही, क्योंकि पहले ही परिवार खौफजदा है। इस बात की आशंका परिवार ने जताई थी कि उनकी जान को खतरा है। पीड़िता की मां का बयान सुनिए। उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उनके भाई और माँ नहीं सकती है। अरे कई खाए होता तो डराती तो मई खेत में तराची दे तो। हाँ, वो बहुत भकभकी आ रही है, वो बहुत भकभकी आ रही है। खोजे मिटे तू चो भांदे के डार गए माँ, मैं घास तनी दूर में घास खोद रही, मैं तो किचत फैली हूँ, मैं तो बेहोश है कि खून को चढ़े देख के, मैं प्यास के मरी जाऊ, मेरी लौड़िया प्यासी का भैया तू घास डाल जाए के, मैं कह भैया तू घास डाल के बोतल में पानी भरी लेके, मैं प्यासी मम्मी प्यासी के है, मेरे बेटा तू डाल जाए के, तब बिजली आ गई है पानी पे आगे लग गो छोरा, तो टाइम तो लगते भैंस 8-10 पौधे तो टाइम तो लगेगी, तो लो एक घंटा आगे मैं लली सतन तुम्हारो ना मम्मी न करो खुद से घर को चलो प्यास लहरी में। हाँ बेटा मैं न करो खुद से घर को चलो है, और जब कब कहीं छिपे गाँव में बैठे मो ऐसी सल होती तभी बैठी भैया काय को छोड़ती, मैं संगे संगे रहती। लेकिन फोन कॉल जो डिटेल है उसमें ये पता चल रहा कि आप लोगों की बातचीत होती है। मेरी नौरिया नंबर तक नहीं बखाली घर में, मेरी बहू पढ़ी लिखी बस, कोई पढ़ो लिखो ना है, बुन्ना नंबर जानते मैं खुद ना जानते, मैं खुद ना जानते क्यों कहू नंदन को या हमारी नंदन को तो फोन आ जाए तो कहो तो कह भाभी भज के देखी जो कोने को फोन बे उठा के देती तब के ससुरे बात करवाती और मोल करवाती दीदी को फोन। ये बात इस कोई ना कोई तो कर इस तरीके की, अब सवाल सब बना बना के बात कही जा रही है कि मैं बाल खाने की जान बच जाए, हमें कड़ी खाने तो कोई समझ है नहीं है, हमें कोई मतलब है नहीं है, है? ऐसा नहीं मैंने कड़ी खाने का जूते के नीचे ला रखा था ऐसा नहीं। ये रामू की माँ है और ये रवि की माँ है, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखा है उसमें कहा है कि परिवार वालों से उनकी मुलाकात होती थी जो आरोपी हैं, इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्होंने कोई इसमें हत्या नहीं की है, किसी को मारा नहीं है, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निर्दोष हैं। संदीप के बारे में तो हमको चुना जानता तो मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों के हमें ना हमने देखो और ना हमें पता बात के बारे में। आप रामू की माँ है? रामू की माँ है, और रामू हम रामू की कह सकते हैं के रामू माओ चिलर पे हो रामू मारो, 7 बजे गए हो 12 बजे घर आए हो। रामू चिलर पर गए थे, डेरी जो है वहाँ पर काम करते और रोजाना करते हो तो ऐसे 8-9 महीना है गए तो करते, और 7 बजे जाते 12 बजे घर आते और फिर शाम को जाते, और कोई ना बड़को तो वो पेट पालन कर रहे माँ देख ले जाएगा, माँ जानकारी कर ले पूरी, और कोई बात जो झूठ अलियाम लगाए हो तो जे कहे दोषी हो तो सजा दे हो ना। एसपी की तरफ से जिस तरीके से जो एसपी को चिट्ठी लिखी गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी तरीके से घटना को अंजाम नहीं दिया, जो उनकी मदर हैं और भाई ने उन्होंने पूरा इस घटना को अंजाम। हाँ जो बाने लिखी है तो हो गई थी बात मान सकते हैं, पर लेकिन हमने ना देखो, हम अपनी बता रहे हमने को ही बा को बुना देखो के कब गौ है या ना गो, बात होती फोन पे या ना होती, हमने ना देखो अपनी आँखों से। हाँ लेकिन ये हो सकता है कि फोन पर बातचीत होती रही। अब माँ ने लिखी है तो होती होंगी भैया, होती होंगी, हम ना कह सकते, जो चिट्ठी आई है माँ ने लिखी तो होती होंगी, पर लेकिन हमने ना देखो।